मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी का अब एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भैया जर्नल साइंस भी पूछता है, जीएस भी मेरे भाई पूछता है। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण को बनाएंगे पापा। क्या बनाएंगे भैया? कि ये मेरे पापा जी हैं और पापा के दो बेटे हैं जिनका नाम है भैया, एक का नाम है अवतल दर्पण, एक का नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है मेरे भाई। अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं भैया कन्वेक्स मिरर। इतना बताया, अब ध्यान से मेरी बात मेरे भाई सुनना। यहाँ पर जैसे मान लो एक गोली दर्पण का, ठीक है, मैंने दो हिस्सा यहाँ पर काट लिया, ठीक है, सास बहू की तरह यहाँ पर रख दिया। अब मेरे भैया मैंने क्या किया, यहाँ पर पीछे कलई कर दिया। क्या कर दिया भैया? कलई कर दिया, अच्छा मतलब पेंट कर दिया। और यहाँ पे क्या किया भैया, अंदर जो धसा हुआ जो भाग है यहाँ पर मैंने जो है कलई कर दिया, मतलब यहाँ पर धसे हुए भाग पर कलई हो गया और यहाँ पर उभरे हुए भाग पर क्या हो गया भैया? कलई हो गया। मेरे भाई बस देखते जाओ, एक क्वेश्चन मेरे भाई देखने को जरूर मिलता है रेलवे का। मेरे भाई यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे भाई जो है पेपर में देता है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। तो हम लोग इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं भैया? अवतल दर्पण। कुल मिला जुला के मेरे भाई हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वे गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर, उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं? कलई करते हैं। क्या करते हैं भैया? कलई जब करते हैं तथा परावर्तन जब होता है कहाँ? धसे हुए भाग द्वारा। अच्छा, जब उभरे भाग पर कलई कर दोगे और परावर्तन भैया कहाँ होगा? धसे हुए भाग द्वारा होता है, तब ऐसे दर्पण को क्या कहते हो? बोल मेरे भैया, कहोगे अवतल दर्पण या कनकेव मिरर, ठीक है मेरे भाई, कनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद इसी का उल्टा, वे गोली दर्पण जब जिसके धसे हुए भाग पर क्या होता है? कलई होता है और परावर्तन मेरे भाई क्या होता है? उभरे हुए भाग द्वारा होता है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हो मेरे भाई? जल्दी बोलो, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उत्तल दर्पण कहते हैं और इसको हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई, कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, ठीक है। ये तो मेरे भाई जो है नॉर्मल सी बात हुई, और मेरे भाई इसका उपयोग भी है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है, हजामत बनाने वाले में जो होता है शीशा मेरे भाई दाढ़ी वाला, ठीक है, वहाँ पर होता है, बहुत सारा मेरे भाई उपयोग है। लेकिन टारगेट मेरा भाई यहाँ पर ये है, आप लोगों को प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनने का जो मेरे भाई जो नियम है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये लोगों को मेरे भाई भूलता है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु सी पर हो तब कहाँ बनेगा, जब वस्तु सी और यफ के बीच में हो तब कहाँ बनेगा। कुल मिला जुला कर मेरे भैया जो है छह केस होता है, ठीक है। और मेरे भाई आज का वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं रटोगे, बस एग्जाम में जब आएगा ना तो बस देखोगे तुरंत टिक करके चले आओगे, ये मेरी गारंटी है। देख मेरे भैया, तो हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा भैया प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, कैसे मेरे भाई जो है बनता है। और आपको मेरे भाई बता दें हम कि यहाँ पर जो है आपको पेपर देना है, तो हम लोग ये छह फोटो बस एक ही फोटो में समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे भैया जो है ये क्लास 10 का साइंस नहीं ना है कि मैं जो है छह फोटो को बार बार बनाऊं, मेरे भाई वीडियो लंबा ना हो जाएगा। और टारगेट है मेरे भाई कि कम समय में आपको ताबड़तोड़ बता दें। देख भैया, यहाँ पर बोलेंगे पापा, पी मतलब भैया हो गए पापा, मतलब इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, ठीक है भैया। और जब आगे जब भागेंगे तो यहाँ पर आता है यफ मतलब फूफा जी, हम लोग कहते हैं पापा, फूफा और कक्का या चाचा जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे यफ मतलब हो गया फोकस, ठीक है, और ये हो गया भैया सी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं भैया? वक्रता केंद्र। इतना बात तो मेरे भाई आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना मेरे भैया, केस वन में ये कहता है जब वस्तु जब अनंत पर होगा, ध्यान देना, जब वस्तु जब अनंत पर होता है मेरे भाई, ठीक है, तो इसका फोटो कहाँ बनता है? यफ पर बनता है,
कहाँ बनता है भैया? य पर बनता है। आप कहोगे कैसे? देख मेरे भाई, जब आप अनंत पर हो, ठीक है, जब आप अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, ध्यान देना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और उसके बाद मेरे भैया जैसे जैसे आप घसकते जाओगे ना, मतलब केस टू ये हो गया कि वस्तु कहाँ पर है, सी और अनंत के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और इधर घसक आएगा, मतलब यफ और सी के बीच में हो जाएगा। जब वस्तु मेरे भैया जब जाएगा सी पर ना, जब वस्तु कहाँ पर आएगा? यहाँ पर जब आएगा मेरे भैया, तो प्रतिबिंब भी कहाँ होगा? सी पर ही बनेगा। जब वस्तु इधर जब घसकेगा मेरे भाई, यफ और सी के जब बीच में आएगा ना मेरे भाई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, मतलब सी और अनंत के बीच में बनेगा। और जब वस्तु मेरे भाई कहाँ आएगा? यफ पर आएगा ना, तब मेरे भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और मेरे भैया जब वस्तु कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है, मतलब पी और यफ के बीच में, चाहे दर्पण के जब समीप में आएगा मेरे भाई, तब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। मेरे भाई ये झटके में हुआ है, लेकिन मैं अभी आराम से भी बताऊंगा, रुके रहिए। देखिए यहाँ पर जब वस्तु कहाँ पर है मेरे भाई, बोलो, जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है, तब प्रतिबिंब मेरे भाई कहाँ बनेगा? जल्दी बोलो, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा मेरे भैया? फोकस पर बनेगा। अभी मैं बताऊंगा कि वास्तविक उल्टा सीधा वासी मेरे भाई बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु कहाँ पर भैया है? अनंत पर है, तो कहाँ बन रहा है? फोकस पर। जब वस्तु जो है यहाँ पर आ गया, मतलब सी और अनंत के बीच में, तो कहाँ आएगा मेरे भाई? इधर आएगा, मतलब यफ और सी के बीच में। पहले ये सीखो, ठीक है, कि कहाँ बनेगा। उसके बाद मेरे भाई जब सी पर जब आएगा, तो सी पर ही बनेगा। अच्छा, जब मेरे भाई यहाँ पर जब आएगा, मतलब यफ और सी के जब बीच में आएगा, तो बेचारा प्रतिबिंब भी इधर खिसक आएगा, मतलब सी और अनंत के बीच में बनेगा। अब जब भैया जब वस्तु कहाँ चला गया? यफ पर चला गया ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। और जब मेरे भाई वस्तु कहाँ आ गया, बोलो, यहाँ पर आ गया, मतलब पी और यफ के बीच में आ गया, तो वस्तु मेरे भाई कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और मेरे भाई यही जो फोटो जो है, केस नंबर जो 6 है, सबसे अलग है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले वाले में मेरे भाई क्या बोलोगे? देखो, वास्तविक का एक जिक्र होता है, वास्तविक होता है मेरे भाई, एक होता है उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, और छोटा बनेगा कि मेरे भाई बड़ा बनेगा। ये बात थोड़ा सा दिमाग में जो है उलझन पैदा करता है, लेकिन मेरे भाई नहीं पैदा करेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो यहाँ पर ये एक से लेकर के मेरे भाई जो है 5 तक, ठीक है, मतलब जब अनंत पर है तब, यहाँ पर है तब, सी पर है तब मेरे भाई, और इसके बीच में है तब, यह पर है तब, 5 पर मेरे भाई जब रहेगा, केस नंबर 1 से लेकर के 5 तक, तो वास्तविक ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा। इतना बात ध्यान में रख लो पहली बात, ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक में मेरे भैया क्या होता है? वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। अच्छा, छोटा बड़ा और बराबर की बात आती है मेरे भाई, ठीक है। अब इसके लिए छोटा बड़ा और बराबर वाला कंसेप्ट मेरे भाई जो है, ये भी बड़ा इजी है, बस केवल मेरे भाई 30 सेकेंड मेरी बात सुनो, आपको आ जाएगा। देखो, जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ बना था? फोकस पर, तो छोटा बनेगा, ठीक है। जैसे भी मेरे भाई ये आगे खिसका, तो कहाँ बना था? यहाँ बनेगा, तो ये भी मेरे भाई जो है वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा तो बनेगा ही लेकिन छोटा बनेगा। जैसे ही मेरे भाई जो है चाचा जी पर आ गया, तब यहाँ पर बराबर बनता है, क्या बनता है मेरे भाई? बराबर बनता है, मतलब जैसा वस्तु, मतलब की साइज होगी, जैसा वस्तु की साइज होगी, वैसा ही क्या होगा? प्रतिबिंब की साइज होगा। अच्छा, मतलब 2 वाले में छोटा बन गया, ठीक है, यहाँ और यहाँ पर, यहाँ पर क्या बना मेरे भैया? बराबर बन गया। अब देखो, अब इसके बाद जैसे जैसे मेरे भाई दर्पण के समीप जाता रहेगा, अब क्या बनेगा? देखो, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ऐसे होता है, ठीक है। मतलब 2 वाले में क्या होगा? छोटा छोटा, बराबर बड़ा, बड़ा बहुत बड़ा, ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग समझ गए कि 1 से लेकर के 5 तक वाले में वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है, और छोटा बड़ा और बराबर का भी कंसेप्ट समझ लिए,
ठीक है मेरे भाई। अब देखो छठवां वाला क्या है, जब वस्तु कहाँ पर आता है मेरे भैया, ध्यान से सुनना, जब वस्तु पी और यफ के बीच में आएगा, जब वस्तु पी और यफ के बीच में मेरे भाई जब आता है, तो हम कह रहे थे कि इसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा भैया, दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन मेरे भाई जो है आभासी बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो मेरे भाई ये केस नंबर 6 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछता है, ठीक है, भूलोगे मेरे भाई। अब देखो कैसे बनता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक ठो बना के आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो है यहाँ से प्रकाश गया, तो बच्चा जानता है जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपने फूफा जी से होकर लौटकर चली जाती है परावर्तन के बाद, मतलब फोकस से, और मेरे भाई एक क्या होगा सी से जब भेजोगे, ऐसे प्रकाश किरण मेरे भाई गया, ठीक है गया, और टकराने के बाद क्या होगा अपने ही मार्ग में वापस लौट जाता है मेरे भैया। देखो इन दोनों किरणों का जो है मुलाकात जो कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा मेरे भैया, ठीक है। तब क्या करेगा, चलो पीछे चलते मिलते हैं इसको भैया, जब पीछे जब बढ़ाओगे, ठीक है, और इसको मेरे भाई जब पीछे जब बढ़ाओगे, बढ़ाते एक पॉइंट पे क्या होगा मेरे भाई, ये मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बनता है आभासी प्रतिबिंब मेरे भाई बनता है। मेरे भाई देखो बातें बहुत सारी हैं, ये सब जो हम लोग जो है क्लास 10 के बच्चों को विधिवत बताते हैं, लेकिन आप लोग मेरे भाई जो है कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ बस समझना है यहाँ पर, बस सिर्फ मेरे भाई समझ लो और उसके बाद कच्चा चबा के मेरे भाई जो है खा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो ये हुआ जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और मेरे भाई उसको जो याद नहीं करना है, उसका सिर्फ मेरे भाई एक ही ट्रिक क्या है कि ध्यान से सुनिएगा कि उत्तल दर्पण वाले में ठीक है, चाहे वस्तु तुम जहाँ भी रखो क्या बनेगा भैया, आभासी बनेगा, ठीक, एक बात, ठीक, उसके बाद मेरे भैया जो है सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, और मेरे भाई जो है वस्तु से छोटा बनेगा। ये बात मेरे भाई जो है ध्यान में रखना, ये हुआ प्रकृति, लेकिन किसके किसके बीच में बनता है, तो कहोगे दर्पण के ध्रुव तथा यफ के बीच बनता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया भैया क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है मेरे भाई, और ये हो गया पी, पापा जी, फूफा जी, और ये हो गए चाचा जी, वस्तु मेरे भाई जहाँ पर भी रखो कहीं भी रखो, ठीक है, प्रकाश किरण जाता है और ये मेरे भाई जो ऐसे वापस भाग जाएगा, इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ से जाएगा बताओ, फोकस से, और एक मेरे भाई जो है यहाँ से प्रकाश गया सी से, ठीक है, जाता नहीं है, मतलब आभास कराएंगे, तो ये मेरे भाई यहाँ बनता है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला के आप बस ये कहना पी और यफ के बीच, पी तथा यफ के बीच मेरे भाई बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा मेरे भाई दिमाग में फिट कर लो, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है, पी तथा यफ के बीच बनता है, जबकि मेरे भाई अवतल दर्पण में कुल 6 केस मेरे भाई होता है, और यही मेरे भाई जो है रेलवे ग्रुप डी में, चाहे रेलवे का मेरे भाई कोई भी एग्जाम हो, रेलवे NTPC, चाहे मेरे भाई कोई भी एग्जाम हो, यदि आप लोग जो स्टूडेंट हैं पढ़ते हैं मेरे भाई, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मेरे भाई वहाँ पर जो है गड़बड़ी हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यदि आप लोग ये समझे होंगे मेरे भाई, तो आप लोगों को ये बड़ा आसान हो गया होगा, और मेरे भाई झटके में देखो मेरे भाई, बस सिर्फ एक मिनट रुक जाओ और कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई। देखो जब वस्तु, आप मेरे साथ बोलना, जब वस्तु अनंत पर होगा, बोलो जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब मेरे भाई कहाँ बनेगा, और उसकी प्रकृति भी बताना है, तो बोलोगे जो वस्तु अनंत पर है तो बनेगा फोकस पर, कहाँ बनेगा मेरे भैया, फोकस पर बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, हो गया मेरे भाई। अब देखो जो वस्तु कहाँ पर आ गया, सी तथा अनंत के बीच में, अच्छा सी तथा अनंत के जब मेरे भाई बीच में होगा
तो मेरे भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बोलो, अब इधर ही बनेगा मेरे भाई, नीचे बनेगा, तो यफ और सी के बीच में बनेगा, ठीक है मेरे भाई। और यह भी मेरे भाई जो है वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब यफ तथा सी के बीच बनेगा, वास्तविक छोटा और मेरे भाई उल्टा बनेगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे देखो, जब वस्तु सी पर आता है, जब वस्तु कहाँ पर आएगा, सी पर आएगा, तब मेरे भाई बोलेंगे सी पर हो तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। और जब मेरे भाई जब भागेंगे कहाँ, यफ और सी के बीच, तब इधर भागेगा, मतलब जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच, तब अब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक उल्टा बड़ा हम लोग कहेंगे। और मेरे भाई जब यफ पर है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। और मेरे भाई जब कहाँ पर आ गया, पी तथा यफ के बीच, ओ केस नंबर 6 है, तब मेरे भाई क्या बोलोगे, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है मेरे भाई, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। ये मेरे भाई जो है हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल दर्पण वाला मेरे भाई सिर्फ एक ही केस है, चाहे वस्तु तुम्हारा कहीं पर भी हो, चाहे वस्तु आपका कहीं पर भी हो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मेरे भाई कैसे बनेगा, पी तथा यफ के बीच में बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा। मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी के पेपर में मेरे भाई जो आ सकता है, इसको एक बार देखोगे मेरे भाई जो है बुढ़ापे तक याद रहेगा। ऐसा पढ़ो मेरे भाई कि आप भी पढ़ सको और अपने बाल गोपालों को भी पढ़ाओ और समय आने पर अपने जो है नाती पोतों को भी पढ़ाओ, ठीक है मेरे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हम फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो, ठीक है, बाय बाय।